हेलो दोस्तों, ये जो है हम लोग आज का एग्ज़ाम जो हिंदी का हम लोग का हुआ है मातृभाषा, ठीक है। आज हम लोग जे जो है हम लोग का उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जे जो है हम लोग का जे कोड नंबर जो सेट कोड जो है हम लोग का जे नंबर वो वाला देखेंगे और हिंदी का, और हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन सही सही किए हैं। बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन पे कंटिन्यू करेंगे, और दोस्तों हम आप लोग को बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं और कितना सही आंसर, मतलब आंसर की तरह आप लोग को ट्रीट करेगा। आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम लोग 1 नंबर से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का कि गायक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो गायक देखिए प्रत्यय और उपसर्ग होता है, तो एक हम लोग का प्रत्यय, प्रत्यय जो पहले आता है और उपसर्ग जो है, प्रत्यय जो बाद में आता है और उपसर्ग जो है हम लोग का पहले आता है, उपसर्ग हम लोग का पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है, तो इसका हम लोग का अक हो जाएगा प्रत्यय, है ना। तो अक जो है हम लोग का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी डबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का तालु शब्द का विशेषण क्या है, तो तालु शब्द का विशेषण जो है हम लोग का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 3 नंबर की संधि में किसका योग होता है, 3 नंबर संधि में किसका योग होता है, तो संधि में हम लोग का योग किसका हो जाता है, तो 2 पदों का योग होता है, संधि में 2 पदों का योग होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 4 नंबर कह रहा है कि निम्न थी जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाता है, अव्यय हो जाता है, तो उसे कौन सा समास कहते हैं, ठीक है, तो उसे कौन सा समास कहेंगे दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का, 4 का बी नंबर हो जाएगा, अव्ययी समास हो जाता है, अव्ययी समास। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रोगग्रस्त कौन समास है, 5 नंबर का रोगग्रस्त कौन समास है, तो ये तत्पुरुष समास होता है, कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि वह बाजार की ओर आया होगा, किस पदबंध का उदाहरण है, तो 6 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, 6 का डी नंबर क्रिया पदबंध हो जाएगा, ठीक है, क्रिया पदबंध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं, तो 7 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कछुए ने खरगोश को हराया किस वाक्य का उदाहरण है, तो 7-8 नंबर का आंसर हम लोग का क्या होगा बताइए, कछुए ने खरगोश को हराया, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा बी नंबर सरल वाक्य होता है, क्या होता है, सरल वाक्य आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें जो है शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो 9 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का चूहा पकड़ कुतर कर फाड़ दिया, ये जो है हम लोग का मतलब जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो गणेश शब्द का पर्यायवाची हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 10 नंबर का हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर एक दंत हो जाएगा, है ना, एक दंत महादंत नहीं बोलते हैं वही वाला। फिर 11 नंबर की अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है, तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 11 का हम लोग का ए नंबर हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा, ठीक है, अंतर्मुखी का विलोम माने क्या होता है, विपरीत हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या कहते हैं, उसे आस्तिक कहते हैं, है ना, आस्तिक जिसमें ईश्वर का विश्वास होता है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का दोस्तों आस्तिक हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उगल देना मुहावरे का अर्थ है, उगल देना यानी गुप्त बात प्रकट करना उगल देना कहलाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, 14 नंबर, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो गगन, अगान का पर्यायवाची मतलब होता है उसके समान, है ना, पर्यायवाची मतलब समान होता है, तो आकाश यानी गगन, गगन माने ऊपर ही हम लोग कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आगामी शब्द का विलोम क्या है, आगामी, आगामी माने आगे, तो आगे का विलोम क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा माने बीता हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिना फलक गिराए के लिए शब्द क्या है, बिना फलक गिराए, तो 16 नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों, 16 का हम लोग का ए नंबर हो जाएगा, अपलक हो जाएगा, 16 का अपलक। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि चिराग तले अधेरा लोकेक्ति का अर्थ क्या है, चिराग तले अगोरा यानी अपनी अपनी बुराई नहीं दिखती है, है ना, अपनी बुराई नहीं दिखती है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 का बी नंबर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि त्रिपाद कौन सा समास होता है, तो 18 नंबर का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर होगा, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, लोगों ने चोरों को मारा, यह चोर को मारा यह किस कारक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 20 नंबर की पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पयोधर पयोधर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर की गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह क्या, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था, 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, 21 का डी नंबर गुरु अमरदास ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यहाँ पे
ये हाँ 22 नंबर हम लोग का कह रहा है कि दोस्तों कि इस मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिय यह किस कवि का कथन है। तो 22 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 22 का ए नंबर हो जाए, बी नंबर हो जाएगा प्रेमघन। ये हम आप लोगों को बताए थे दोस्तों कि ये वाला क्वेश्चन जो है प्रेमघन से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है, और कल हम पढ़ाए भी थे लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं पढ़े हैं। जो पढ़े होंगे उसको तो बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि ये वाला गद्य पद था, इसको बहुत हम लोग डीपली में इसको देखे थे, आप लोग जाके देख सकते हैं। जो लोग नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज संस्कृत का भी बहुत सारा वीडियो जाने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्रेम यानी श्री राधिका श्री कविता शीर्षक कविता में कवि ने मलि मालिन किसे कहा है। ठीक है, तो 23 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, राधा कृष्णन को कहा गया है, राधा कृष्ण को कहा गया है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग देखे थे कल, और जो लोग नहीं देखे होंगे उन लोगों को तो पछताते होंगे, इसलिए आप लोग आज इसको देख लीजिएगा बढ़िया से और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्वेश्चन सब। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए सेकंड सिटिंग में होंगे वो या फर्स्ट सिटिंग में होंगे, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पे, आप लोग जल्दी जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा सिंपली। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का। देखिए कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, स्वदेशी शीर्षक कविता के कविता किसने संकलित किया गया। तो इसका हो जाएगा हम लोग का 24 नंबर का हो जाएगा प्रेमघन। देखिए हम कल पढ़ाए थे सर्वस्व से, ये हम सब पढ़ाए थे दोस्तों, बस आप लोग देखे नहीं है इसलिए आप लोग को दिक्कत हुआ होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि युगपद किस कवि के रचना है, किस कवि की रचना है। 25 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 25 का हम लोग का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर सुमित्रा नंदन पंत का है, सब पढ़ा दिए हैं हम कल का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्र प्रेमघन रचयिता किस वाक्य किस काव्य में है। तो इस 26 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर हो जाएगा जीर्ण जनपद में। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो 27 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, घनानंद ने किया था। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 कोटि संतान नग्न तन यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो ये कविता जो है हम लोग का 28 नंबर का ए नंबर भारत माता से ली गई है, भारत माता। ठीक है, भारत माता की वजह से ये आंसर गलती मारा गया है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कविता भारत में जनतंत्र की उदय का जय घोष है। तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 नंबर का हम लोग का हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वाला गलत दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बूंद साहस उंगली किसकी रचना है, ये जो है किसकी रचना है। तो 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों एक नंबर अज्ञेय। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। तो ए 31 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 31 का ए नंबर होगा संख्यावाचक, यहाँ पे संख्या दर्शाया जा रहा है ना कि 50 हाथी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो 32 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर प्रणार्थ क्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सत्यवान एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, भविष्य काल नहीं रहेंगे, यानी किस काल का उदाहरण, तो भविष्य काल का ना, भविष्य में फ्यूचर का बात कर रहा है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 34 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ में विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ में परिचायक हैं क्या कहलाते हैं। तो 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 34 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए 34 का आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे शब्द अपरिचित होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे 35 नंबर की अजान शब्द में उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग यानी पहला वाला। तो अज जो है हम लोग का क्या है, अजान शब्द होगा, नहीं अ, अच्छा अजान कह रहा है, अ शब्द जो है हम लोग का उपसर्ग है, अ जो है शब्द हम लोग का क्या है, उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, बाबा राव भीम दलित परिवार में हुआ था, ये सही है। ठीक है, दलित परिवार में हुआ था, 36 नंबर का डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, बताइए। 37 नंबर का आप लोग आंसर कितना मारे, ऑप्शन नंबर आंसर बताइए आप लोग का, तो डेसाओ में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किसकी भूमि है, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या मारे थे। 38 नंबर का आंसर क्या मारे थे, तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म का। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बनारसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, बताइए। 39 नंबर का आंसर आप लोग क्या मारे, 39 नंबर का आंसर वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है, है ना। तो इसमें 40 नंबर का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 40 का डी नंबर हो जाएगा, प्राचीन मानव। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था, तो सिख धर्म का किया था, ये आंसर सही है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कवि घनानंद का वध किस सैनिक ने किया है। देखिए ये जो चैप्टर है दोस्तों, हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि ये इंपॉर्टेंट जो जो चैप्टर था हिंदी का, हम सभी चैप्टर को हम लोग आप लोगों को पढ़ा दिए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको नहीं देखे होंगे तो बहुत पछता रहे होंगे। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बता दिया गया था जो बहुत मिलता जुलता इसमें आप लोगों को मिल रहा होगा, ठीक है। जो पढ़े होंगे उसको मिलता जुलता मिल रहा होगा, हर एक टॉपिक से पढ़ा दिया गया था। अब आप लोगों के ऊपर निर्भर है दोस्तों, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हर एक वीडियो कल का भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग उसको देख के आज में आराम से सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग 42 नंबर का आंसर देते हैं। 42 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, घनानंद का किसने किया था, तो हुमायूं ने किया था। कल हम ये पढ़ाए थे, ये भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मिला था, ये भी क्वेश्चन मिला था हम लोग का कि संप्रदाय मुक्त भक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है, है ना। ये भी हम क्वेश्चन पढ़ाए थे आप लोगों को। तो 34 नंबर का हो जाएगा रस खान थे, कौन थे, रस खान, है ना। उसके बाद 43 नंबर का, फिर 44 नंबर का हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कवि किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है, तो 44 का ए नंबर हो जाएगा हम लोग का धर्म भारतीय के किया गया था। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 45 नंबर का तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तक के रूप में किया है, तो 45 नंबर का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 45 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, 45 का बी नंबर वीरेन डंगवाल ने किया था। फिर हम लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, तो 45 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर अवध किशोर था, ठीक है, अवध किशोर। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 47 नंबर कह रहा है कि पंक्ति में उतर जाता है वह रौ किस कविता की पंक्ति है, तो 47 नंबर का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 47 का हम लोग का डी नंबर हो जाएगा अक्षर ज्ञान, ठीक है, अक्षर ज्ञान। फिर हम लोग का 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, गुरु ज्ञान के बिना, है ना, गुरु ज्ञान के बिना जो है किसी भी प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को विशेष टॉपिक चुन के लाए हुए थे, ठीक है, विशेष टॉपिक चुन के लाए हुए थे। ये सब क्वेश्चंस जो है हम लोग को गद्य पद से मिल गया है, ठीक है, गद्य पद से मिलता जुलता बहुत सारा क्वेश्चन मिला है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो पिछला वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक के लेखक का नाम क्या है, तो यही है भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत के शीर्षक पाठ के किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो 54 नंबर का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 नंबर का आंसर हम लोग का क्या होगा बताइए, 54 है ना, हाँ, तो 54 नंबर का आंसर हम लोग का, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन छूटा नहीं ना है आप लोग का, 20 के दांत, दो सेकेंड, अच्छा हाँ, 20 के दांत का शीर्षक पाठ से किसका बताया, तो 20 के दांत, ये ठीक है, कहाँ हम लोग का आंसर नंबर बी हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो इसका नाम हो जाएगा 55 नंबर का आंसर किशोर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग का कह रहा है यहाँ पे 56 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा डी नंबर 56 का, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 57 नंबर के मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था, तो 57 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, आप लोग इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ए नंबर, मैक्स मुलर थे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1911 में ही हुआ था, 1911 में हुआ था। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है, नाखूनों का बढ़ना, तो ये मानवीय प्रवृत्ति है कि पार्श्विक वृत्ति, तो ये पार्श्विक वृत्ति हो जाएगा, ठीक है। 59 का हम लोग का ये बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये नाखून भी जो है पशुओं का भी होता है, इसलिए पार्श्विक वृत्ति है यानी पशु का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि धारा नगरी का शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, तो 60 का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 60 का सी नंबर हो जाएगा, परमार शासक भोज, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आज्ञा शब्द कौन लिंग है, आज्ञा शब्द जो है पुलिंग है, आज्ञा आप आज्ञा दीजिए यानी पुलिंग शब्द है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्प क्या है,
62 नंबर का दोस्तों हम लोग का क्या कह रहा है, वास्प क्या है, तो ये तत्पुरुष का है, तत्सम है, सॉरी तत्सम है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो श्रीमती हो जाएगा, श्रीमान का श्रीमती। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो लड़के, लड़कों नहीं लड़के हो जाएगा, ठीक है, आपके लड़के ये हैं, है ना, ऐसे करके। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो 65 नंबर का हम लोग का हो जाएगा दोस्तों, 65 का आंसर हम लोग का क्या होगा, तो 65 का हम लोग का डी नंबर हो जाएगा, कारक हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 66 नंबर, में पर किस कारक की विभक्ति है, तो 66 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, संबंध कारक है, संबंध कारक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा हम लोग का संप्रदाय सांप्रदायिक कारक, संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में कितने सर्वनाम है दोस्तों, तो 11 सर्वनाम है, कितने 11 सर्वनाम है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 69 कह रहा है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, इस सर्वनाम किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, तो 69 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, संबंधवाचक, इसमें हम लोग संबंध बचाते हैं ना, संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। फिर 71 नंबर कह रहा है कि मंगमा को किसके साथ विवाद हो गया था, तो नंजमा के साथ हुआ था विवाद, ठीक है, नंजमा के साथ, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतकोड़ी होता है किस भाषा, सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथन है, तो ये हो जाएगा 72 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, उड़िया हो जाएगा, ठीक है, उड़िया। फिर हम लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था, ठीक है, तो किसका घर टूट गया था, ये 73 का आंसर हो जाएगा हम लोग का दोस्तों डी नंबर, लक्ष्मी का, ठीक है, लक्ष्मी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, किसमें महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीता को, ठीक है, सीता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, तो बिरजू की पत्नी का नाम क्या था, तो 75 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए डी नंबर हो जाएगा, मीरा था, बिरजू की पत्नी का नाम मीरा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, तो 76 नंबर का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 48 नंबर कमरा उसको दिखाने के लिए बोला गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दिन पपत्ती को क्या था, बुखार था, ठीक है, बुखार था। ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं दोस्तों, एक बार आप लोग जाके, विश्वास नहीं होगा तो एक बार जाके हमारा यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत सारा हिंदी इस प्लेलिस्ट भी दिया गया है, बहुत सारा क्वेश्चन हम पढ़ा दिए थे, बहुत सारा इसमें मिलता जुलता है, इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों। इस पे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों को आने वाले फ्यूचर में भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मिलेगा। फिर कह रहा है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था, तो 78 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों दोस्तों ए नंबर, माँ जी ने, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो 79 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर की, ठीक है, ईश्वर पेटलीकर की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि कटक शहर को बाण की चपेट से बचाने के लिए किसे पत्थर का बांध बंधवाया था, किसने जो है पत्थर का बांध बनवाया था, तो 80 नंबर का हम लोग का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, महाराज ययाति केसरी ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 81 नंबर कह रहा है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है, तो 81 नंबर का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 81 का हम लोग का हो जाएगा ए नंबर, 81 का ए नंबर, अल्पज्ञ पिता को। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिसका नागरी लिपि में रामेसी शब्द अंकित है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 82 नंबर का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, यहाँ पे बादशाह अकबर ने कहा था, कौन कहा था, बादशाह अकबर ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो देव था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, तो ये जो है हम लोग का किसका है, तो जैनों का है। इसी में ना जो दोस्तों हम लोग का ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहीं पे इनका मृत्यु हुआ था, 84 का हम लोग का
यहीं पे श्रवण गुड़ा में ही चंद्रगुप्त का मृत्यु हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, तो 85 नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा, 85 नंबर का नेपाली गवई गोखले की, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का 86 नंबर की बहादुर कह रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली गई थी, तो 86 नंबर का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, बहादुर के माँ के पास चली गई थी। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 87 नंबर कह रहा है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 87 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 87 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, राम विलास शर्मा। फिर 88 नंबर कह रहा है कि दक्षिण भारत के मंगल नाग स्वरम की तरह सहनाई किसकी मंगल ध्वनि का पूरक है, तो ये जो है किसकी मंगल ध्वनि का पूरक है, तो 88 नंबर का हो जाएगा दोस्तों चेता की, किसका चेता की, चैता की, चैता। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मरते दम तक ना सहनाई छूटेगी ना काशी, यह किसका कथन है, तो बिस्मिल्लाह खां की, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां जो हम लोग का सहनाई वादक थे उनका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो नसीहत यानी क्या करना, तो 90 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बताइए, नसीहत का क्या हो जाएगा, तो 90 नंबर का हम लोग का शिक्षा, नसीहत देना यानी शिक्षा देना, शिष्ट तरीका आराम, शिक्षा देना ही होता है, नसीहत देना यानी शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वरों के स्थान में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 91 नंबर का हो जाएगा दोस्तों चार होते हैं, ठीक है, चार। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि च का उच्चारण स्थान क्या है, च च च 72 92 का क्या हो जाएगा हम लोग का 92 च च च देखिए किसा है च यानी मूर्धा च च च तालु ही आ रहा है, ठीक है, तालु ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम लोग का 93 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजक है कौन सा है, तो 93 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर हो जाएगा, स होता है, ठीक है। फिर हम लोग का 94 नंबर कह रहा है कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है, तो 94 का हो जाएगा स हो जाएगा, 94 का हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी हास्य स्वर हो जाएगा, हास्य स्वर हो जाएगा, हर स्व स्व हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 95 नंबर के मुक्त छार की अंतिम ध्वनि क्या होती है, ठीक है, तो 95 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 95 नंबर का क्या हो जाएगा बताइए, 95 नंबर के मूर्धाक्षर की अंतिम स्वर क्या होता है, तो ये जो है हम लोग का मूर्धाक्षर ये जो हो जाएगा हम लोग का व्यंजन होगा, ठीक है, व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यद्यपि हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या रहा है 97 नंबर का हो रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो 97 का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों 97 का भीष्म जो है शुद्ध शब्द है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 98 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा इकहरा उदाहरण चिन्ह होता है ना, तो ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा ए नंबर है ना, इकहरा ऐसे होता है, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को, त्र क्या है, त्र जो है हम लोग का क्या है, तो 99 नंबर का हो जाएगा दोस्तों संयुक्त शब्द है त्र है ना, रो भी आ रहा है तो भी आ रहा है ना, इसलिए संयुक्त शब्द हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है कि उस विकार शब्द को क्या कहते हैं जिसके विशेष वस्तु भाव और जीव के शब्द का बोध होता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों सौ का हो जाएगा हम लोग का सी नंबर संज्ञा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग आज जे का जो है हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए है ना, पूरा हम लोग जे का जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए जे वाला। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए हर एक चीज़ को सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया जा रहा है और संस्कृत का भी तुरंत आप लोगों को अभी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तुरंत किया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेन क्वेश्चन जो भी है जो भी चैप्टर का आप लोग को आता है उसको हम लोग संस्कृत का आज हम लोग फिर अभी प्रोवाइड करेंगे। बस आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।